तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड ऑफ असासिनेशन, मतलब हिटमैन, और वो भी 2016 वाला। ओके, तो वर्ल्ड ऑफ असासिनेशन बोलने का यही मतलब है कि जो गेम हिटमैन एब्सोल्यूशन के बाद आई थी अभी तक में, और 2016 बोलने का मतलब यही है कि वर्ल्ड ऑफ असासिनेशन का पहला पार्ट, जिसको सिर्फ और सिर्फ हिटमैन नाम दिया गया है। और आज हम लोग इसी गेम के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स इस गेम का वो सेक्शन है जहां में आप चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मैप के अकॉर्डिंग, और उसे ऑनलाइन शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोग भी खेल सके जो जो वर्ल्ड ऑफ असासिनेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें कोई चैलेंजेस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए हुए। तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेंडिंग चैलेंजेस करने वाले, और कोशिश यही रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही साथ हमें इस गेम का एकलौता रैंक हासिल हो, विच इज ऑफ कोर्स साइलेंट असासिन रैंक। लेकिन जिन लोगों ने एब्सोल्यूशन से पहले वाले गेम खेले हैं, दे नो कि साइलेंट असासिन एकलौता रैंक तो नहीं था। और हाँ, ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट मेन स्टोरी गेम प्ले का तो हिस्सा नहीं है, स्टोरी गेम प्ले फिर कभी। ऑलराइट, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है किल एवरीवन 47, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे हमारे टारगेट है, टोटल 5 है, इन सबको हमें खत्म करना है और साइलेंट असासिन लेना है। सो दैट्स व्हाई हमें थोड़ा सा इन सारे चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है, जैसे कि इस टारगेट को, ये दोनों ऐसे दोनों जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक जो पहला वाला है इसे हमें अनआर्म्ड मारना है, मतलब कि हाथों से इसे खत्म करना है विद सूट ओनली। ये ऑप्शनल है, लेकिन हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए। यस, ये हिटमैन है तो भाई ये पैसा ही कमा रहा है, तो हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए। सूट ओनली एंड बाकी जितने भी जो टारगेट है इन सारे लोगों को पिस्टल से मारना है, ठीक है, पिस्टल से मारना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक को अनआर्म्ड मारना है और दूसरे वाले को डिलीवरी मैन वाले सूट से मारना है, सूट मतलब कि कपड़ों से, एंड फिर डिलीवरी अगेन, फिर साइक्लिस्ट। ऑलराइट, तो प्लानिंग कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या है, मतलब कि यहाँ में शायद हम लोग कुछ वेपन रख सकते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, छोड़ो ये हमें नहीं करना है। वेपन हम ले लेते हैं ये वाला। वैसे लाइव स्ट्रीम में जितना हम खेले थे स्टोरी गेम प्ले उतना ही खेले हैं, उससे ज्यादा नहीं। दैट्स व्हाई बहुत सारे चीजें लॉक्ड है अभी। और सूट तो भाई हमको क्लासिक सूट चाहिए। स्टार्टिंग लोकेशन हम यही रखेंगे, आप देख सकते हो बाकी सब लॉक है, ये एक टू अनलॉक हुआ है, बाकी सब लॉक है। स्टोरी मतलब कि हम नहीं खेले हैं, सो दैट्स व्हाई ये सारे लॉक है। ओके, मेन तो यही वाला रहेगा प्लानिंग में, एंड इन सब में कुछ चेंजेस नहीं करना है, बाकी वेपन्स की जरूरत नहीं होगी आई बिलीव। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो न्यूज़ पढ़ने का टाइम ख़त्म हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस मिशन को हम पहले भी खेले हैं तो हमको पता है क्या करना है, ठीक है। इंस्टिंक्ट मोड है तो ये बहुत सुविधा का चीज़ है, मतलब लाल दिख रहा है यानी कि यही हमारे टारगेट हैं, ठीक है। तो ये अनआर्म्ड हमें मारना है, और सूट ओनली मतलब कि जो कपड़े हम लोग पहन के गेम को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चलो ये ख़त्म हो गया है, इसके ड्रेस को हम लोग पहन लेते हैं क्योंकि यही पहन के हमें बाकी लोगों को ख़त्म करना है। अब बॉडी को बस यहीं छोड़ देते हैं, और सिक्का से हम लोग करेंगे डिस्ट्रैक्ट इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों हमारे टारगेट हैं। ऑलराइट, तो इसका एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया रहता है, लेकिन अब देखो ये एकदम ठीक ठाक है। चलो भाई इसे दुनिया से मुक्त कर देते हैं, एंड दिस वन। चलो भाई सप्रेसर वेपन इसलिए लिए हैं ताकि आवाज़ें इधर उधर ना हो, बाकी लोगों तक ना पहुंचे, सो दैट्स व्हाई सप्रेसर वेपन।
क्योंकि आसपास के लोग हैं वो सुन पाते हैं यहाँ तक, एंड ऑफ कोर्स गेम एडवांस है तो यहाँ तक आ भी जाएंगे जहाँ तक आवाज़ आई है। साइक्लिस्ट का ड्रेस पहने हुए हैं एंड यही शॉर्टकट रास्ता है क्योंकि हमारे जो दो टारगेट है वो गेट जगह में खड़े रहते हैं, मतलब कि गेट की निगरानी रखते हैं, तो हमें ऐसे ही एंट्री तो नहीं मिलने वाली। सो ये शॉर्टकट लिए हुए हैं और अब इन दोनों को एक साथ ख़त्म करना, यानी कि क्राइम नोटिस होना, जो हमें नहीं करना है। तो एक को हम डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है, ये उस साइड जाएगा और उसी टाइम हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। ओके, ओ भाई थैंक गॉड हम गन तो छुपा लिए, ठीक है। पकड़े गए गाइस, ठीक है। इसने डेड बॉडी, ओके, इसने डेड बॉडी भी देख लिया है, यानी कि हमें साइलेंट असासिन नहीं मिलने वाला है। ये नहीं पता था कि सप्रेसर वेपन से भी लोगों को भनक लग सकती है। वेरी नाइस, इट्स मीन कि हम ज़्यादा ही सामने से गोली चलाएं। भले ही वेपन में साइलेंसर लगा हुआ है लेकिन फायर करते टाइम आवाज़ तो आता ही है, उसने वही सुना है डेफिनेटली। और हमको अपने इलाके से बाहर निकालते टाइम उसने डेड बॉडी भी देख लिया, सो उसका ध्यान डेड बॉडी की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर ही लेते हैं। ओके, चलो भाई। एक चीज़ है, पता नहीं आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो या नहीं, कि जो इंस्टिंक्ट मोड है, इस तरह से हम लोग जो एनिमी को फाइंड आउट या आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये थोड़ा गेम को इजी बना देता है। ये आप लोग बताना। ठीक है भाई, चलो इसकी बॉडी को हम वैसे यहाँ से नीचे फेंक सकते हैं, लेकिन हम टाइम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पहले की तरह। Now what's going on? और हाँ, जो हम लोग सेम ड्रेस पहने हुए हैं वो हमें देख के फाइंड आउट कर सकता है कि हम भाई उसके आदमी नहीं हैं। सो दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके, तो अंदर घुसने का रास्ता तो बस फिलहाल यही है। अगर उस साइड से जाते हैं तो भाई हमें धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, तो वो नहीं करना है। और साइक्लिस्ट बन के ही हमें पिस्टल से मारना है, और पिस्टल सप्रेसर वाला ही है तो इजी पढ़ना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो ही गया था। ओके, यहाँ भी कुछ गार्ड्स हैं, गार्ड्स या कोई भी है वो हमें देख सकता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा नहीं, हम लोग बस दौड़ते रहेंगे बस। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम गिरा देते हैं। एंड चेक इट आउट, गॉट इट। ओके, चलो इसको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। गन हम निकाल चुके हैं। ओके, वो उस साइड जा रहा है तो ओके, चलो चलो चलो। ओके, ठीक है, जब तक इसकी डेड बॉडी लोग देखेंगे तब तक तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो भागने के बहुत से रास्ते हैं लेकिन ये सबसे सामने वाला है, तो चलो भाई। ओके, डेड बॉडी के ऊपर से चला गया लेकिन डेड बॉडी को कुछ नहीं हुआ। इतना चलेगा गाइस। ऑल राइट, साइलेंट असासिन, वेरी नाइस, आखिरकार मिल ही गया, अच्छा लगता है भाई। देखते हैं वर्ल्ड वाइड में मेरा कौन सा पोजीशन है। ओके, नॉट बैड, 15 में, लेकिन जब हम खेले थे तो वो फोर्थ में थे हम, ठीक है, वेरी सैड। अपना ही रिकॉर्ड हम, मतलब जब हम ऑफलाइन खेलते हैं तभी इतना अच्छा क्यों खेल पाते हैं हमको ये समझ में नहीं आता है। खैर, हमारा अगला कॉन्ट्रैक्ट फ्री EXP फॉर योल, ठीक है, इसमें हमें जस्ट किल हिम करना है, अनआर्म्ड यानी कि बेयर हैंडेड हमें मारना है, सूट ओनली, और कुछ है जैसे कि रिक्वायर्ड एग्जिट सिर्फ एक ही है, और नो बॉडीज फाउंड ऑफ कोर्स ये हमें करना है, और नो डिस्गाइज चेंजेस यानी कि कोई वेश हमें नहीं बदलना है, किसी और के कपड़े नहीं पहनना है। और एक चीज़ है, इस बार पहले की तरह जो बीच में प्लानिंग सेक्शन है वो गायब है, तो चलो भाई। ऑल राइट, तो ये मैप में हमने लाइव स्ट्रीम किया था, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, ओके,
यहाँ पे है। ओके तो एक चीज हम दिखा देते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को दो गार्ड दिख रहे जो भी, और एक ऊपर में, ठीक है। अगर हम लोग इसको मारेंगे तो वो लोग देख लेंगे, एक जा रहा है अभी, और ये लोग भी देख लेंगे अगर हम कुछ करते हैं। तो हमें बेयर हैंडेड मारना है, और बेयर हैंडेड का मतलब ये नहीं है, ठीक है, इस तरह से हमें नहीं मारना है, मतलब कि क्राइम नोटिस हो गया है, बहुतों ने ये क्राइम होता देख लिया है, तो हमें साइलेंट असासिन का रैंक तो नहीं मिल पाएगा। सो अगर वेट करेंगे तो ये काफी इजी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा नाम यू नो लीडर बोर्ड में आए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमको इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत फास्ट खेलना होगा, कम से कम टॉप 10 में भी आ जाए ना गाइस बहुत है, ठीक है। चलो भाई अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये रेंच नहीं है, ये हथौड़ा है, ठीक है। ओके कॉइन के थ्रू उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही वो कॉइन उठाने के लिए झुकेगा तभी अटैक करेंगे, ताकि सामने वाले लोग उसे देख ना पाए। हथौड़ा से ये मरेगा नहीं, बस बेहोश हो जाएगा, उसके बाद हमें अपना काम करना है। ओके भाई चलो इसका गर्दन तोड़ देते हैं, क्योंकि बेयर हैंडेड करना था, राइट। ओके एवरीथिंग परफेक्ट, किसी की नज़र में भी नहीं आए हैं, बस हमें अब सेफली एग्जिट पॉइंट तक पहुंचना है। फिलहाल मेरा टारगेट है टॉप 10 में पहुंचना, क्योंकि देखो टॉप 3 में तो चांस ही नहीं कि हम पहुंच पाएंगे। सो उम्मीद उतना करो जितना औकात है। औकात मेरे ओके ठीक है, साइलेंट असासिन, वेरी नाइस। लेट्स सी लीडर बोर्ड, ठीक है लीडर बोर्ड में देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये गड़बड़ हो गया, इसको हम इससे पहले नहीं खेले थे, लेकिन ये अभी भी फोर्थ में है। मेरा अभी जो हम स्कोर किए हैं वो 74 में हम पहुँचे हैं, मतलब कि टॉप 100, लेकिन ये फोर वाला हम नहीं खेले हैं, ये शायद ये ग्लिच है, ठीक है, ये ग्लिच है। गेम को अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो शायद ये फिक्स हो जाए, पता नहीं, यानी कि पहले वाला जो था वो भी। एनीवे अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है किल बैटमैन, और हमको क्या लगता है ना ये इस नाम की वजह से ही ट्रेंडिंग सेक्शन में गया है, मतलब नाम बैटमैन है तो बहुतों ने इसे खेला ही होगा डेफिनेटली, और हमको लगता है ये किल बैटमैन जो नाम है ये एक तरह से क्लिक बेट है। एनीवे इसमें हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है ऑक्टेव बेजीन, और इसे हम लोग किसी भी तरीके से मार सकते हैं, कोई भी डिस्गाइज बन के इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम ये ऑक्टेव बेजीन है कौन, तो ऐसा करते हैं पहले पता लगा लेते हैं। ओके तो ऑक्टेव बेजीन का लोकेशन यहाँ है, और आप देख ही सकते हो ये ऐसी जगह है जहाँ में अगर क्राइम करते हैं तो वो नोटिस में आ जाएगा, और डेड बॉडी तो ऑब्वियसली फाइंड हो ही जाएगा, तो ये बहुत ईजी है, इसका एक टेक्निक है मेरे पास, एक गजब का आइडिया है मेरे पास। तो डेड बॉडी फाइंड ना हो और क्राइम भी नोटिस ना हो, इसके लिए हम पूरे लोगों को यहाँ से खाली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन जो है हमारा टारगेट उसे हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। यस आप लोग सही समझ रहे हो, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, चलो भाई प्लानिंग करते हैं। ओके तो हम क्या सोच रहे हैं इस बार ना, हम स्टार्टिंग लोकेशन चेंज कर लेंगे, ताकि थोड़ा इससे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम थोड़ा जल्दी कर पाए, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ें लॉक है, लाइव स्ट्रीम किए थे तो बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो गई है, वेरी नाइस। तो अंडरकवर इन किचन ये आई थिंक सामने रहेगा वहाँ से, इसमें हम कॉस्ट्यूम अपना, मतलब कि जो भी अपना यूनिफॉर्म है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग मेरा क्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि वो हमेशा ड्रिंक लेने आता है, ठीक है, तो उसके ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाना है कि वो बाथरूम की ओर जाए, ठीक है, दिस वुड बी ईजी। चलो भाई पूछा पूछी बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। ओके हमारा टारगेट हमें दिख नहीं रहा है, शायद दिख जाए, ओके यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यही वो फ्लोर है, यहीं पे हमें अपना काम करना है। ओके ठीक है हमें दिख गया, तो मेरे पास फिलहाल कोई रैट पॉइजन नहीं है जिसको कंज्यूम करने से लोगों का पेट खराब हो जाता है, तो यहाँ से हमने ले लिया है रैट पॉइजन। वैसे ज़्यादातर रैट पॉइजन किचन या मतलब कि जहाँ खाने का सामान होता है वहाँ पे होता है, मतलब वहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है। तो ये ड्रिंक ले रहा है तो इसे हम लोग अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसके यहाँ से हटने का वेट करना है। एंड ठीक है चलो भाई, और मेरा ड्रेस वेटर वाला ही है तो कोई हम पे शक नहीं करेगा। चलो हमने मिला दिया है इसके ड्रिंक में रैट पॉइजन, एंड
हमें बस वेट करना है, ठीक है। अब इसे जबरदस्ती तो पिला नहीं सकते हैं, इतने भीड़ में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है, कुछ बातें करेगा डेफिनेटली, तो हमें बस वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, यहाँ कहीं ग्लो नहीं, ओके चलो यहाँ में ब्लेड होते हैं, थोड़ा पोंछा कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वो अभी भी बातें ही कर रहा है, एंड पता नहीं वो क्या बात कर रहा है। डेफिनेटली हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो यहाँ से ओके, थोड़ा सा वो हिला है, यानी कि वो ओके, वो जा रहा है। चलो भाई फॉलो करते हैं, ओके ये यहाँ तक तो पहुँच गया। अब पी लो भाई, तुम्हारे लिए ही स्पेशल है वो। असर हो भी रहा है या नहीं? ओके ओके ठीक है। तो हमको पता है बाथरूम कहाँ में है, वो डेफिनेटली बाथरूम ही जाएगा, ठीक है। वो आ ही रहा है, तो पहले ही बाथरूम में वेट करना, ठीक है, पहले ही बाथरूम में वेट करना बेटर है। आ जाओ भाई, जैसे ये आएगा ये दरवाज़ा हम क्लोज कर देंगे, ओके। अब भाई किसी भी तरीके से इसे मार सकते हैं, तो यही सबसे इजी लगा आपको, ठीक है। दरवाज़ा बंद, और एग्ज़िट पॉइंट एक है बहुत दूर, लेकिन हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट नीचे ही जाएंगे, नीचे वाला एग्ज़िट पॉइंट ज़्यादा क्लोज है। और उस वॉशरूम में, उस बाथरूम में कोई जाने वाला है नहीं, तो उसकी बॉडी को छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अननोटिस्ड किल है, तो आप समझ रहे हो कि हमको साइलेंट असासिन मिलने ही वाला है, ओके। नहीं ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे, ऑल राइट चलो देखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हुआ, ऑल राइट मिशन कंप्लीट, एंड ठीक है। यहाँ से हम लोग आए हैं, तो नहीं यहाँ से स्टार्ट किए थे, सो दैट्स वाई वो चैलेंज कंप्लीट हो गया है। एनीवे साइलेंट असासिन मिल चुका है, लीडर बोर्ड देखते हैं हम लोग किस पोजीशन में हैं। ओके वी आर इन 29, यानी कि टॉप 10 में तो पहुँचना मुश्किल है। और इस मिशन को हम पहले नहीं खेले थे, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी ये 4 में कुछ हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन में कुछ ग्लिच हो रहा है, ग्लिच ओ आई एम सॉरी, ये एक तरह से बग है जिसको अभी तक फिक्स नहीं किया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, पुरानी गेम है तो अपने को क्या, लेकिन मेरा जो ड्रीम था टॉप 10 में आने का भाई, वो तो ड्रीम ही रह गया, सो सैड। अब हमको लग रहा है कि हमको सबसे ज्यादा इजी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए टॉप 10 में आने के लिए। कोई तो होगा, ठीक है, कोई तो होगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम टॉप 10 में आ सके। ऑल राइट, ट्रेंडिंग सेक्शन का अल्टीमेटली इजी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें इजी भी लिखा हुआ है। बस एक चीज की प्रॉब्लम है, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, भले ही इंग्लिश में है, लेकिन इसको पढ़ भी ले तब भी हम इसको नहीं समझ पाएंगे। खैर, टारगेट एक है लूका वुड नाम से, शायद टाइगर वुड का रिश्तेदार होगा, जिसे हमें किल करना है विथ पिस्टल एंड सूट ओनली। डेफिनेटली ये ऑप्शनल है, लेकिन साइलेंट असासिन के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो गेम स्टार्ट होते साथ ही हमें हमारा टारगेट एकदम यहाँ में दिख जाता है, जो बहुत ही करीब है, इसलिए तो ये इजी किल है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको यहीं से ख़त्म करते हैं तो क्राइम नोटिस हो जाता है, ठीक है। उस साइड वाले देख लिए हैं और यहाँ वाले लोग भी देख चुके हैं, मतलब ये सामने वाले लोग, तो ये प्रॉब्लम है। हमें साइलेंट असासिन चाहिए, सो ये इतना भी इजी नहीं है। दूसरा तरीका, अगर हम लोग इसको चारा देते हैं तो इस साइड, ठीक है, अगर इसको चारा देते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम हम टॉप 10 में तो आएं, ठीक है, एटलीस्ट टॉप 10। सो हमको थोड़ा सा तो फास्ट खेलना पड़ेगा, स्पीड अपना दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमें पहले ना दोनों साइड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि हमारे टारगेट को मारते टाइम कोई इस साइड देखे ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन सप्रेसर पिस्टल से ही करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो पहले तो हमें इस साइड डिस्ट्रैक्ट करना है। हाँ, क्राइम नोटिस्ड हो गया है। और दूसरा इस साइड, और दोनों इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होंगे और इसे हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हमें थोड़ा फास्ट करना है और कोई हमें नोटिस ही ना करे, मतलब कोई देख ही ना पाए, उतना स्पीड करना है। तो चलो भाई। ओके, तो पहले इस साइड हम थोड़ा दूर में करेंगे। आई बिलीव वो लोग मुड़ चुके होंगे। दूसरा ये, और ओके, अरे गन नहीं गिराना था, जल्दी से यहाँ में। ओके चलो, कम से कम हो तो गया। ओके, क्राइम नोटिस नहीं हुआ है। डेड बॉडी फाउंड होने से पहले ही हम निकल चुके हैं बाहर। लेट्स सी। यस, साइलेंट असासिन। चलो भाई, बहुत ही कम सेकंड में, लगभग 12 सेकंड। वाओ। तो चलो लीडर बोर्ड देखते हैं क्या रिजल्ट है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फाइनली हम टॉप 10 क्या, टॉप 1 नहीं, मतलब टॉप 1 जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, रैंक 1 में है। एंड आई नो ज़्यादा टाइम तक तो ये रहेगा नहीं, कोई ना कोई हमको भी बीट कर देगा, लेकिन कम से कम हम 1 में तो पहुंचे। और मेरा नाम 5th पोजीशन में भी दिखा रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई अपना ही स्कोर बीट करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है, जबकि यहाँ में शो कर रहा है। तो जैसा कि हम बोले थे, ये बग ही है। सो टॉप 10 में आ चुके हैं, इतना काफी है आज के लिए, क्योंकि अगर हम और कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो भाई हमको नहीं लगता है कि हम टॉप 10 में पहुंच पाएंगे। सो हमको एक दिन के लिए तो खुश रहना है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी और गेम प्ले में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस, आई एम नॉट प्रो कि मेरे से हर गेम यूं पार हो जाए। Nope. 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 Oh, boy. Nope. 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 Nope.